पुराने दौर से लेकर के नए दौर तक के भोजपुरी कलाकारों की दास्तां, नजीर हुसैन से लेकर कुणाल सिंह, मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह, जानिए सभी के संघर्ष की कहानी। भोजपुरी सिनेमा के हर एक खबर का सटीक विश्लेषण हमारे नए YouTube चैनल नारद टीवी भोजपुरी पर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस का आनंद उठाएं। नमस्कार, नारद टीवी पर आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों पहले राज कपूर फैमिली पर हमारी एक वीडियो आई थी, उस पर आप सभी दर्शकों का काफी प्यार मिला। तो ही हमारे बहुत से दर्शकों ने कुछ अजीबोगरीब प्रश्न भी किए। किसी ने पूछा, अनिल कपूर की फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया? तो कोई शक्ति कपूर और तुषार कपूर की फैमिली के बारे में पूछ रहा था। एक दर्शक ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि महेंद्र कपूर राज कपूर के क्या लगते थे। अब ये जरूरी नहीं कि जिसका सरनेम कपूर है वो सभी लोग राज कपूर के फैमिली से ही होंगे। जैसे पंकज कपूर, अनु कपूर, वाणी कपूर, इनका सरनेम भी कपूर है, पर ये राज कपूर की फैमिली से नहीं है। आइए आज के एपिसोड में जानते हैं अनिल कपूर की फैमिली के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि राज कपूर के खानदान से इनका क्या रिश्ता है। ये एपिसोड काफी रोचक और दिलचस्प होने वाला है, तो इसे पूरा पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सुरेंद्र कपूर से। जी हाँ, अनिल कपूर के खानदान से बॉलीवुड में आने वाले सबसे पहले शख्स थे सुरेंद्र कपूर, जो कि अनिल कपूर के पिताजी हैं। सुरेंद्र कपूर पृथ्वीराज कपूर यानी कि राज कपूर के पिताजी के कजिन ब्रदर थे। बॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर इन्होंने कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। पृथ्वीराज कपूर जो कि सुरेंद्र कपूर के चचेरे भाई थे, उन्होंने सुरेंद्र कपूर को 1950 में मुंबई फिल्मों में काम करने के लिए बुलाया। मुंबई पहुंचने पर सुरेंद्र कपूर ने फिल्म मुगले आजम में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया, लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि फिल्म मुगले आजम को बनने में काफी लंबा वक्त लगा, जिसकी वजह से इन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई उस जमाने की फेमस एक्ट्रेस गीता बाली से। गीता बाली ने इनके संघर्ष के दौरान इनकी काफी मदद की। सुरेंद्र कपूर ने गीता बाली से ये वादा किया कि मैं जब भी अपनी फिल्म प्रोड्यूस करूंगा उसकी हीरोइन आपको ही रखूंगा। होते करते 1963 में इन्होंने फिल्म बनाई जब से तुम्हें देखा है, लेकिन ये फिल्म कुछ खास चल नहीं पाई और सुरेंद्र कपूर निराश होकर वापस पेशावर चले आए। पेशावर आकर इन्होंने शादी कर ली, लेकिन कहते हैं कि माया नगरी मुंबई की लत जिसे एक बार लग जाए वो आसानी से छूटती नहीं है। करीब 3 साल बाद सुरेंद्र कपूर फिर से मुंबई पहुंचे और अपने दूसरी पारी की शुरुआत की। इन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस एसके एंटरटेनमेंट बनाया। एसके एंटरटेनमेंट के बैनर तले इन्होंने सन 1972 में शहजादा नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की, जिसमें राजेश खन्ना लीड रोल में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और बॉलीवुड इंडस्ट्री में धीरे धीरे सुरेंद्र कपूर के पांव जमने लगे। लेकिन इसके बाद उनकी कई फिल्में जैसे पोंगा पंडित, विकास राव, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन आदि बुरी तरह फ्लॉप रही और सुरेंद्र कपूर भारी कर्ज में डूब गए। 80 के दशक में इन्होंने फिर वापसी की और हम 5 वो 7 दिन, लोफर आदि फिल्में बनाई जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अपने बेटे अनिल कपूर को लेकर इन्होंने लोफर और जुदाई जैसी फिल्में बनाई। अपने बेटे संजय कपूर को भी इन्होंने ब्रेक दिया। तो वहीं इनके सबसे बड़े बेटे बोनी कपूर ने एक प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा और सफलता पाई। सुरेंद्र कपूर 24 सितंबर 2011 को 85 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। बतौर प्रोड्यूसर इनकी अंतिम फिल्म थी मिलेंगे मिलेंगे, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं सुरेंद्र कपूर के बच्चों की। सुरेंद्र कपूर ने शादी की थी निर्मला कपूर से। सुरेंद्र और निर्मला से 4 बच्चे हुए, बोनी कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर और रीना कपूर। हम एक एक करके इन चारों के फैमिली ट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं बोनी कपूर पर। बोनी कपूर सुरेंद्र कपूर के सबसे बड़े लड़के हैं। इनका जन्म 11 नवंबर सन 1955 में हुआ था। इनके बचपन का नाम अचल कपूर था। इनके दोनों भाई तो अभिनेता बने, लेकिन इन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे ले जाना ही उचित समझा और एक निर्माता के तौर पर इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। 1970 के दशक में इन्होंने मशहूर फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंत के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। शक्ति सामंत सुरेंद्र कपूर के काफी अच्छे दोस्त भी थे। बतौर निर्माता इनकी पहली फिल्म थी हम 5, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हम 5 एक कन्नड़ फिल्म का रीमेक थी और इसी के बाद बॉलीवुड में रीमेक फिल्में बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। इसके बाद इन्होंने अपने भाई अनिल कपूर को लेकर कई फिल्में बनाई। 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इसके बाद रूप की रानी, चोरों का राजा, लोफर, जुदाई
आदि कई ऐसी फिल्में रहीं जो इनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बोनी कपूर ने दो शादियां की। इनकी पहली पत्नी रहीं मोना कपूर। बोनी और मोना के दो बच्चे हुए, अर्जुन और अंशुला। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि अर्जुन कपूर आज बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। वहीं अर्जुन कपूर की बहन अंशुला ने फिलहाल अभी फिल्मों में एंट्री नहीं की है। अब बात करते हैं बोनी कपूर की दूसरी पत्नी श्रीदेवी की। बोनी कपूर ने श्रीदेवी से 2 जून 1996 में शादी की थी। कहते हैं कि फिल्म 16वां सावन में श्रीदेवी को देखते ही बोनी का दिल उन पर आ गया था। दोनों के इश्क की शुरुआत एक तरफा प्यार से हुई थी जो बोनी कपूर की तरफ से था। इन दोनों का प्यार फिल्म मिस्टर इंडिया के दौरान परवान चढ़ा था। 1970 के दशक में जब श्रीदेवी तमिल फिल्म कर रही थी उस समय बोनी खास उनसे मिलने चेन्नई गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इन दोनों की मुलाकात तब संभव नहीं हो पाई थी। शुरुआत में श्रीदेवी को बोनी कपूर पसंद नहीं थे, लेकिन बोनी कपूर भी हार मानने वाले नहीं थे। श्रीदेवी को उन्होंने मिस्टर इंडिया के लिए कास्ट कर लिया, लेकिन इस फिल्म के लिए श्रीदेवी बहुत मुश्किल से मानी थी। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ी। 1996 में श्रीदेवी ने अपने से 8 साल बड़े बोनी कपूर से शादी कर ली। कहा जाता है कि बोनी उस समय उनके साथ शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन एक मजबूरी के चलते उन्हें उनसे शादी करनी पड़ी। श्रीदेवी से शादी करने के बाद बोनी ने मोना से तलाक ले लिया। तलाक के बाद मोना अपने ससुर सुरेंद्र कपूर के यहाँ रहने लगी, क्योंकि श्रीदेवी से शादी करने के बाद बोनी ने घर बार भी छोड़ दिया था। 25 मार्च 2012 को मोना की कैंसर के चलते मौत हो गई थी। 2018 में श्रीदेवी भी इस दुनिया से चल बसी। श्रीदेवी और बोनी की दो बेटियां हुई, जानवी और खुशी। जानवी फिलहाल बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं। अब बात करते हैं सुरेंद्र कपूर के दूसरे बेटे अनिल कपूर की। कपूर फैमिली में अनिल कपूर सबसे प्रभावशाली अभिनेता रहे हैं। अपने 40 साल के फिल्मी सफर में ये कई हिट फिल्में दे चुके हैं, साथ ही साथ कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें 2 इंटरनेशनल अवार्ड और 6 फिल्मफेयर अवार्ड शामिल हैं। 1971 में शशि कपूर की तू पायल मैं गीत में युवा शशि कपूर का किरदार निभाते हुए अनिल कपूर ने 12 साल की उम्र में ही फिल्मों में डेब्यू किया था, लेकिन यह फिल्म किसी कारणवश थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी थी। उसके बाद इन्होंने उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में एक कैमियो रोल किया। 1980 में अनिल कपूर एक तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम में मुख्य अभिनेता के तौर पर नजर आए। अनिल कपूर को बॉलीवुड में पहला लीडिंग रोल 1983 की फिल्म वो 7 दिन में मिला, जिसमें उनके साथ पद्मिनी कोल्हापुरी और नसरुद्दीन शाह भी थे। 1984 में मशाल फिल्म में पहली बार टपोरी का किरदार निभाकर बॉलीवुड में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और इस फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। उनका टपोरी वाला किरदार इसके बाद कई फिल्मों में नजर आया और वो उनकी एक अलग स्टाइल बन गई, जिसके लिए ये आज भी जाने जाते हैं। 1985 में इनकी 2 फिल्में आईं, युद्ध और साहेब। युद्ध फिल्म में उनका आइकॉनिक लाइन एकदम झक्कास पहली बार दर्शकों के कानों में सुनाई दिया। 1987 में अनिल कपूर को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला, जो कि ना केवल हिट हुई बल्कि इस फिल्म ने अनिल कपूर को सुपरस्टार का स्टेटस भी दिलाया। बॉलीवुड में तो इन्होंने अपना सिक्का जमाया ही, साथ ही साथ इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इंटरनेशनल फिल्मों में अनिल कपूर ने पहला रोल डेनी बॉयल की एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में किया। इसके लिए उन्हें मोशन पिक्चर्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड मिला। एक्शन सीरीज 24 के 8वें सीजन में उनके प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिकन प्रेस ने उनकी तारीफ भी की थी। वैश्विक स्तर पर अनिल कपूर सबसे प्रसिद्ध और पहचाने जाने वाले भारतीय एक्टर हैं। 1984 में उन्होंने सुनीता भावनानी से शादी की, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। अनिल और सुनीता के 3 बच्चे हुए, सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर। सोनम कपूर ने फिल्म सावरिया के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया और बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। 2018 में इन्होंने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी कर ली। रिया कपूर यानी कि अनिल कपूर की दूसरी बेटी एक प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड में सक्रिय हैं। इन्होंने वीरे दी वेडिंग और आयशा जैसी फिल्में प्रोड्यूस की, जिसमें इनकी बहन सोनम कपूर ने काम किया हुआ है। तो वहीं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने 2016 में फिल्म मिर्जिया के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2018 में इनकी सुपर हीरो मूवी भावेश जोशी भी रिलीज हुई, लेकिन फिलहाल अभी ये बॉलीवुड में स्थापित होने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुरेंद्र कपूर के तीसरे बेटे संजय कपूर की।
वैसे तो इनका फिल्मी करियर ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जो भी फिल्में की उसके लिए दर्शक इन्हें हमेशा याद रखेंगे। 1995 में इन्होंने फिल्म प्रेम से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें इनके अपोजिट थी तब्बू। 1995 में ही माधुरी दीक्षित के साथ इनकी फिल्म राजा रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इसके बाद 90 के दशक में इनकी और कई फिल्में आईं, जिनमें से अधिकतर फिल्में फ्लॉप ही रहीं। सिर्फ तुम, तू निकला, छुपा रुस्तम, राजा, ये कुछ ऐसी एवरग्रीन फिल्में हैं जिसके लिए दर्शक इन्हें आज भी याद करते हैं। इन्होंने 2003 में टेलीविजन पर एंट्री की धारावाहिक करिश्मा द चमत्कार ऑफ डेस्टिनी से। साथ ही साथ इन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की। 2015 में इन्होंने तेवर फिल्म बनाई, जिसमें अर्जुन कपूर लीड रोल में थे। संजय कपूर ने शादी की महिप संधू से। संजय और महिप के दो बच्चे हैं, शनाया कपूर और जहान कपूर, और अभी फिलहाल ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। अब बात करते हैं सुरेंद्र कपूर की बेटी अनिल कपूर की बहन रीना कपूर की। रीना ने शादी की संदीप मारवाहा से। संदीप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और मारवाहा फिल्म्स एंड वीडियो स्टूडियोज नाम की एक संस्था चलाते हैं। रीना और संदीप के दो बेटे हुए मोहित और अक्षय। मोहित भी एक एक्टर हैं और फुगली, राग देश जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इनके छोटे बेटे अक्षय एक फिल्म मेकर हैं और 2000 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं। मोहित की पत्नी है अंतरा मोतीवाला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बॉलीवुड के और किस फैमिली के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे कई एपिसोड बॉलीवुड फैमिली पर आ चुके हैं, जिनको अभी तक आपने ना देखा हो तो उसे जरूर देखें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, क्योंकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।